मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और उनकी यादों को खुद में जीवंत करती ये जगह है गांधी स्मृति। अल्बुकर्क रोड नई दिल्ली स्थित ये स्मृति भवन इससे पूर्व बिरला हाउस या बिरला भवन के नाम से जाना जाता था। घनश्याम दास बिरला द्वारा सन 1928 में बनवाया गया ये भवन मूल रूप से बिरला परिवार का घर था। अपने दिल्ली दौरे में सरदार पटेल और गांधी जी अक्सर यहां ठहरा करते थे। यहीं गांधी जी ने 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए। इसी भवन के प्रार्थना स्थल में नाथूराम गोडसे की गोली से शहीद होकर गांधी जी ने अपने विचारों से मौत पर भी विजय प्राप्त की। गांधी जी की हत्या के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घनश्याम बिरला से बिरला हाउस का हिस्सा स्मारक में बदलने की मांग की। काफी जद्दोजहद के बाद सन 1971 में भारत सरकार ने के बिरला से यह भवन लगभग 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद इस भवन को गांधी स्मारक के रूप में तब्दील किया गया। इस स्मारक के निर्माण में तकरीबन 1.5 साल का वक्त लगा, जिसके बाद 15 अगस्त 1973 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। स्मारक में प्रवेश करते ही बाईं ओर एक भवन है जहां महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित है। इसके ठीक आगे खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां हस्तशिल्प की वस्तुएं और खादी के कपड़ों की बिक्री भी की जाती है। भवन के सामने एक बड़ा सभागार है जहां समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहां से दाईं ओर वो भवन है जहां गांधी जी ठहरते थे। उसी भवन में 2 तख्त हैं जिस पर गांधी जी सोते और योग करते थे। यहां से अंदर जाने पर हम उस कक्ष में पहुंचते हैं जहां गांधी जी मंत्रणा आदि कार्य किया करते थे। इस कक्ष में उनकी निजी वस्तुएं वैसे ही उनकी याद में सहेज कर रखी गई है। 30 जनवरी 1948 हत्या से पूर्व गांधी जी और सरदार पटेल इसी कक्ष में मंत्रणा कर रहे थे। यहीं से निकलकर गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़े थे। प्रार्थना सभा के मार्ग में बापू के उन आखिरी कदमों की यादों को समेटते हुए उनके पद चिन्ह की छाप को पत्थरों पर उकेर कर उसी तरह सजाया गया है। प्रार्थना सभा के मंच पर ही है बलिदान स्तंभ। यही वो जगह है जहां बापू को गोली लगी। यह स्तंभ गांधी जी का राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना और बलिदान की तस्दीक करता है। बापू के विश्राम कक्ष के पीछे एक और भवन है जहां बापू के संपूर्ण जीवन को फिल्म के माध्यम से पर्यटकों को दिखाया जाता है। इस भवन के आगे एक कलाविथि यानी आर्ट गैलरी है जहां बड़ी ही खूबसूरती और रचनात्मक तरीके से बापू के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया गया है। बाईं ओर मुड़ने पर एक पुस्तकालय है जहां हर बड़े लेखक की किताबें मौजूद हैं। पुस्तकालय के साथ ही गांधी म्यूजियम है। यह मल्टीमीडिया म्यूजियम यहां की एक खासियत है। इसमें प्रवेश करने पर बापू के हत्याकांड की 3 मिनट की एक एनिमेटेड फिल्म दिखाई जाती है। म्यूजियम की ऊपरी मंजिल पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी है। इन प्रदर्शनियों में बापू के कालजयी विचारों और समुदायों को जन जन तक पहुंचाने का काम बेहद खूबसूरती से किया गया है। गांधी जी की स्मृतियों को अपने अंदर संजोए एक परिसर और है, गांधी दर्शन। ये परिसर गांधी स्मृति और दर्शन समिति का दूसरा भाग है। 36 एकड़ में फैला यह परिसर उनकी समाधि राजघाट के ठीक सामने बना है। यहां बापू के जीवन के सभी आयामों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है।
ये परिसर सन 1969 में महात्मा गांधी के जन्मशती के अवसर पर अस्तित्व में आया था। यहाँ यरवदा की जेल के नमूने से लेकर वो नाव भी है जिसका इस्तेमाल नमक सत्याग्रह के दौरान किया गया था। यहाँ उस जीप को भी गांधी जी के याद में सहेज कर रखा है जिसमें उनका पार्थिव शरीर बिरला हाउस से राजघाट लाया गया था। गांधी स्मृति, यहाँ के कोने कोने में बापू बसते हैं। यहाँ की छोटी से छोटी चीजें भी बापू के यहाँ होने का एहसास कराती हैं। राष्ट्रपिता के ये राष्ट्रीय स्मारक सत्य, अहिंसा, एकता और समानता के गुणों का गौरवगान करता है। ये स्मारक गांधी जी के शाश्वत संदेश मेरा जीवन ही मेरा संदेश है को जीवंत करता है।